It's a single. Are they going to get a second? Yeah, they're charging back for the second. This could be the moment. This is the moment. And all of Pakistan will... बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान, आपका होस्ट कामरान शाह। नाज़रीन, वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के पहले मैच में एग्जैक्टली 3 दिन रह गए हैं, जो कि पाकिस्तान और यूएसए के मबैन यूएसए में ही खेला जाएगा। नाज़रीन, जो वर्ल्ड टी20 के लिए पीसीबी की तरफ से टीम भेजी गई है, क्या वो मेंटली और फिज़िकली परफॉर्म करने के लिए तैयार है? क्योंकि रिसेंटली अगर हम देखें, जो आयरलैंड के साथ सीरीज़ हुई, जो इंग्लैंड के साथ सीरीज़ हुई, उसमें पाकिस्तान की कारकर्दगी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रही। हाँ, 6 जून को पाकिस्तान और यूएसए का मैच है, उस ठीक 2 दिन बाद यानी कि 9 जून को पाकिस्तान वर्सेज इंडिया। 2021 से लेकर 2024 तक टी20 के जितने भी मुकाबले हुए हैं इंडिया और पाकिस्तान के, उनमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कदरे बेहतर रही है। आप 2021 का वर्ल्ड कप देखें, बाबर और रिजवान ने अपने फर्स्ट एनकाउंटर में इंडिया को पिछाड़ कर रख दिया, जो कि आज तक इंडिया कभी भी टी20 के वर्ल्ड कप में किसी भी टीम से 10 विकेटों से शिकस्त नहीं खाई उसने। It's a single. Are they going to get a second? Yeah, they're charging back for the second. This could be the moment. This is the moment. And all of Pakistan will... Shaheen Afridi ne Bharti Surmao ko pehle hi encounter mein pichhada. Oh, gone, surely gone. Yes, absolutely plumb. Oh, out. What a beauty. He's on absolute fire. They cannot play him. Nazin Jod Pak. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से यूएसए टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान का स्क्वाड का जो ऐलान किया गया था, उनके कुछ खिलाड़ियों पर हम नज़र डाल लेते हैं, जिनमें बाबर आजम जो है वो कप्तान है, इब्रार अहमद हैं उनके साथ, आज़म खान हैं, फ़खर जमान हैं, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद आमिर, 2017 की चैम्पियन ट्रॉफी के हमारे सबसे मेन बॉलर जो थे, जिनकी वजह से हम जो 2017 की चैम्पियन ट्रॉफी है वो जीतने में बड़ी हमें मदद हासिल हुई, मोहम्मद रिजवान हैं, नसीम शाह हैं, साइम अयूब और शादाब खान और शाहीन अफरीदी और उस्मान खान इनमें शामिल हैं। नाज़रीन, जो इंडिया के एक सहाफ़ी विक्रांत गुप्ता का बयान सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा था कि पाकिस्तान की जो टी20 टीम है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, इंडिया को इसको बिल्कुल भी हल्का नहीं लेना चाहिए। मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान की बॉलिंग आई थिंक बेहतर है। उनके पास मोहम्मद आमिर के आने से बहुत फ़र्क पड़ा है। मोहम्मद आमिर ने उस दिन बॉल भी अच्छा डाला है, क्योंकि पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है वो दुनिया में माना जाता है। नाज़रीन, आप इनके बॉलिंग अटैक की बात करें, 3 पेसर्स शाहीन, नसीम शाह और हारिस रऊफ। अब उनका कहना यह था कि मोहम्मद आमिर, जो जिनको दोबारा टीम अपनी रिटायरमेंट के बाद जिन्होंने दोबारा अपनी टीम को ज्वाइन किया है, उनके आने से एक पाकिस्तान के पास एक ये टी20 2024 का जो वर्ल्ड कप है वो जीतने का एक सुनहरी मौका है। तो नाज़रीन, हमारे जो शायकीन हैं वो इस इंतज़ार में हैं कि 9 जून आए और हम इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखें। आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो है वो पूरी दुनिया में देखा जाता है, ना कि सिर्फ एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में देखा जाता है। और 9 जून का मैच इंशाल्लाह 7:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे जो है वो लाइव दिखाया जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान इस बार भी बेहतरी की तरफ आए, क्योंकि बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पाकिस्तान लाकर पाकिस्तान के लोगों के नाम करना चाहता हूँ। इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान शाह को दीजिए इजाज़त, अल्लाह नेकबाद।